ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। रोजगार देने के सवाल पर रोजगार नहीं देंगे, महंगाई नहीं रोकेंगे, सब चीज के जाम बढ़ाएंगे। बिहार पर करारा जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। बोलते हैं 2024 में फिर मोदी जीतता है एकदम, कितना मोदी आएंगे, कितना मोदी जाएंगे, उनका काला से मोदी आ जाएगा। पूरा देश के लोग उन्हीं के मुट्ठी में है। जम्मू कश्मीर में कितना बरियाई बरियाई लोग करता है ना, बरियाई जैसे गरीबों पर कर ढाल रहा है, हर विभाग पर कर ढाल रहे हैं। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना आतंकवादी कश्मीर में 370 हटाएंगे, क्या हुआ? चुनाव नहीं करा रहे, का नहीं चुनाव करा रहे हैं, भैया सती शासन लगाए हुए हैं। हिम्मत है तो चुनाव कराओ ना पहले, वहाँ वहाँ कराना चाहिए ना, का नहीं करा रहा, डर के मारे नहीं करा रहा है। बोलते हैं कि मणिपुर में हो रहा घटना काहे नहीं रुक रहा है, करारा जवाब बिहार के लोग देंगे, बिहार के जनता तो बताएगा। अभी बोलते हैं कि जेडीयू आरजेडी का जो मेल है बेमेल है, तेल और पानी, तेल और पानी का है, कभी साथ नहीं आ तेल पानी तो बनिया लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी। इंडिया का एम एल शर्म लगता है मोदी के, शर्म आता है। भारत के सब कोई मानता है, भारत देश हमारा है, इंडिया भी हमारा है। पहले भी कहीं भी विदेश में जाइए, इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, हम लोग कहते हैं हाँ इंडिया से आए हैं। शर्म नहीं आता है, शर्म लगता है इंडिया नाम रखा गया तो। काहे घमंडिया बोलता है लोग, घमंडिया बोलता है वो, अपना घमंडी है, इसीलिए घमंडिया बोलता है दूसरा के, अपना घमंडी है।